तो दोस्तों, जब आप अपने मोबाइल में मोबाइल डाटा को ऑन करते हैं, ऑन करने के दौरान अगर आपके पास कोई इनकमिंग कॉल आ जाता है या आउटगोइंग कॉल आता है, तो आपके मोबाइल का जो डाटा होता है वो ऑटोमेटिक वहां पे बंद हो जाता है। तो अगर कॉल के दौरान अगर आपका मोबाइल डाटा यहाँ पे बंद हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कीजिएगा वो मैं आपको बताऊंगा। और ये सेटिंग आपके मोबाइल में देखने मिल जाता है, सिंपली उस सेटिंग को दोस्तों आप वहां पे ऑन कर दीजिएगा, तो जब भी आपके पास कोई कॉल आएगा तो आपका जो मोबाइल डाटा है वो बंद नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, कॉल आने के दौरान डाटा डिस्कनेक्ट प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल के सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे जैसे आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और इस ऑप्शन पे क्लिक करने में नीचे में आप जाइएगा तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मोर सेटिंग का, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा यूज मोबाइल डाटा ड्यूरिंग कॉल, जिसमें लिखा हुआ है व्हेन यू आर इन अ वॉल्ड कॉलिंग यूजिंग दिस सेकेंडरी डाटा सिम ऑल्सो यूज इट एसेस टू मोबाइल डाटा। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे वॉल्ड कॉलिंग वाले ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं और इनेबल करने के बाद जैसे आप किसी को कॉल कीजिएगा तो जो आपको मोबाइल डाटा है वो आपका डिस्कनेक्ट नहीं होगा सिंपली इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद। तो जैसे ऑन कर दीजिएगा और उसके बाद मोबाइल डाटा को ऑन कीजिएगा और आपके पास कोई भी कॉल आता है या आप किसी को कॉल कीजिएगा तो क्या होगा कि कॉल तो होगा ही होगा और जो आपका मोबाइल डाटा है वो भी आपको यहाँ पे कनेक्ट देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों, होता है क्या कि बहुत से ऐसे डिवाइस है जिसमें ये ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, तो उसको आपको क्या करना है, तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ से बैक हो जाना है। और बैक होने के बाद दोस्तों, सबसे पहले तो आपको देख लेना है जो भी आप यहाँ पे मोबाइल यूज कर रहे हैं उसका जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को आपको देख लेना। अगर नेटवर्क आपका वहाँ पे मैनुअल सेट किया हुआ है तो उसको आपको क्या करना है, ऑटोमेटिक में आपको सेट कर लेना है। इसके लिए सिंपली क्या करना है, जो भी आप यहाँ पे सिम यूज कर रहे हैं उस ऑप्शन पे आपको जाना है। जाने के बाद जो आपको ऑपरेटर देखने मिलेगा इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और अगर आपका यहाँ पे मैनुअल देखने को मिल रहा है तो इसको आपको क्या करना है, ऑटो सिलेक्ट वाले ऑप्शन को एक बार ऑन करके ऑफ कर देना है और ऑटोमेटिक में आपको यहाँ पे दोस्तों सेट कीजिएगा। तो क्या होगा कि आपका जो डिफॉल्ट में यहाँ पे जो भी टावर है उससे कनेक्ट होकर यहाँ पे मोबाइल डाटा चलेगा। और साथ में अगर आपने रोमिंग को ऑन करके रखा हुआ है तो आपको यहाँ पे अपना जो रोमिंग है ये डाटा रोमिंग वाले ऑप्शन को दोस्तों आपको यहाँ पे ऑफ कर लेना है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये सब करने के बाद भी आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है तो आपको कनेक्शन एंड शेयरिंग वाले ऑप्शन में जाना है। और कनेक्शन शेयरिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप नीचे में जाइएगा तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नेटवर्क रिसेट का। अगर ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो आपको सिंपली सर्च वाले ऑप्शन में जाना है, देन आपको यहाँ पे लिखना है रिसेट। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे रिसेट लिखिएगा, रिसेट लिखने के बाद आपको यहाँ पे रिसेट नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने में रिसेट नेटवर्क सेटिंग वाले ऑप्शन में जाइएगा तो आपका वाईफाई ब्लूटूथ और मोबाइल जो नेटवर्क है वो आपका एक बार यहाँ पे रिसेट हो जाएगा। और रिसेट होने के बाद दोस्तों अगर कोई इशू आता है तो वो आपका यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, देन उसके बाद जो भी नेटवर्क है वो यहाँ से जाएगा और उसके बाद फिर से आपका नेटवर्क आ जाएगा, देन उसके बाद आप देखिएगा जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आपका यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं।